टू द भाट लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप लोग प्रतिदिन यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, कहीं पर गूगल गर्ल, कहीं पर वायरल गर्ल, कहीं पर गूगल बॉय, कहीं पर रोबोट बॉय, ऐसे ऐसे हजारों प्रतिभाएं दिखाने वाले छोटे छोटे बच्चे आपके नज़रों के सामने आते हैं, पर सबसे अलग हटकर इतने कम उम्र में एक अनुष्का नाम की बच्ची महज उम्र 7 वर्ष की है, जो कि हिंदू समाज के सनातन धर्म के बारे में रामायण गीता में लिखी चौपाइयों का गुणगान करते हुए आप लोगों के सामने एक छोटी सी बच्ची, जो कि हिंदू समाज के लिए एक गर्व की बात है। आइए सुनाते हैं एक छोटी बच्ची अनुष्का का बयान, किस तरह से वेद रामायण गीता का ज्ञान रखने वाली एक छोटी सी बच्ची, कितने सटीक चौपाइयों का उच्चारण करने वाली एक अनुष्का नाम की छोटी बच्ची आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी बच्ची। प्रसन्नताम यान गताभिषेकत तथा नमले बनवास दुखत मोखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो नहीं सही है, अरे मूर्ख वह है कि जो ज्ञान ही नहीं है उनको रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं। तमाम ग्रंथ हमारे हैं जिस पे उंगली उठा, और जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगी कि वो लोग हिंदू धर्म पर चलें, किसी के बहकावे में न आवें, और जो ऐसा करता है उनको फंसाता है तो उनको समझाएं। सनातन धर्म हिंदू धर्म पर बहुत उंगली उठ रहा है। गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना की अधिकारी, इसका अर्थ ये हुआ ढोल, ये ढोलक होता है उसको हम लोग बजाते हैं, जितने भी लोग बजाते हैं अगर वैसे ही मारेंगे तो फूट नहीं जाएगा, वैसे ही पीटने पर तो फूट जाएगा, लेकिन जब ताल सुर मिला करके बजाएंगे तब तो सुरक्षित रहेगा। और गवार, उसको पहले समझिए कि वो कैसे समझेगा, फिर उसको समझाइए तब ना वो मानेगा कुछ। हम लोग के अंदर ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रूपी विकृति फैली हुई है, प्रदूषण भरा हुआ है, लोग धर्म पर नहीं चल रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, गौ माता का भी सेवा नहीं कर रहे हैं कई लोग। तो मैं कथा के माध्यम से उनको उपदेश देती हूँ कि माता पिता का हरदम सेवा करना चाहिए, हमेशा गौ माता का भी सेवा करना चाहिए, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म को हमेशा पकड़े रहना चाहिए, अपने धर्म पर चलना चाहिए, और लोगों का कथा के माध्यम से कल्याण हो, यही मेरा अभिप्राय है, यही मेरे कथा कहने का कारण है। अच्छा, किसी को अगर आपको बुलाना हो कथा के लिए तो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा, कैसे मतलब आपको बुला पाएगा, आपसे मिलने कैसे आएगा वो? देखिए, जब हमारा चैनल बोलेंगे वो लोग, हमारा चैनल अनुष्का पाठक जी या श्री वशिष्ठ मुनि जी बोलने पर आ जाता है, तो उसमें नंबर रहता है तो उसे फ़ोन कर सकते हैं। आपका नंबर रहेगा, आप फ़ोन कर लेंगे। अच्छा, खर्च कितना तक आ जाएगा ये भी हम जानना चाहेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई भक्त अगर कथा कराना चाहते हैं तो आपके कथा में कितना तक खर्च आ जाएगा ये भी बता दीजिए। देखिए, भागवत जी में भी बताया गया है ये कि बेटी का जब विवाह होता है कन्या का, उसमें जितना खर्च किया जाता है उसी हिसाब से लोगों का जितना सामर्थ्य रहता है उतना करते हैं, तो उसी हिसाब से कथा में भी खर्च होना चाहिए।